पहले आप सभी को हैप्पी होली। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला बार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से, तो हल्का हल्का कलर लग गया और सवेरे से इतने लोग आए कलर लाने पर मैं अंदर से बाहर नहीं आई, तो हम खुद जाएंगे कलर लगवाने के लिए क्योंकि आज है लास्ट होली। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके घरवार वालों को, छोटे छोटे बच्चों को भी हैप्पी होली गाइज। तो अब कर चलते हैं सीधे होली के मैदान में, थोड़ा नाच गाना करें फिर आए हम घर। तब तक के लिए बाय, और वहीं जाकर करेंगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू। बन गए थे बहुत ज्यादा स्मार्ट, और अभी कलर चेहरे का कलर बहुत ज्यादा चेंज हो गया मेरे, अभी बांग लग रही है अभी। हाँ बंद हो गया।
तो गाइस अभी जब होली से पहुंच गए हैं घर, तो हम वैसे होली कहते हैं 12 बजे खत्म हो जाते हैं, पर हम लोग 1 बजे घर आए क्योंकि जो हम लाइट चले गए थे तो हमारे जो साउंड थे ना वो बंद हो गए थे, इसलिए हम थोड़ा रुक गए। हमने कहा नाचना तो है ही करके इस वजह से, और हम और बौजियों की तरह हम अंदर लुके नहीं रहते हैं होली के दिन। गाइस हम कुंडी लगा के बिल्कुल नहीं बैठते, हम तो जाते हैं कि आओ होली खेलते हैं करके, बट यहाँ देवर कम है, भतीजे ज़्यादा हैं मेरे, तो वो लोग क्या करते हैं उल्टा चाचियों को कलर लगा देते हैं, वो जो कहाँ हमारी हेल्प करेंगे देवरों को बिगाने में, उल्टा हम लोगों को। पर गाइस जो मुंह में कलर लग रखा है ना, ये बहुत डार्क डार्क कलर लगा दे, और कलर जो जो लगाया ही लगाया, साथ में मोबलेल मिक्स करके हाथों में वो भी लगा दो, तो ऐसा हो गया ना आज तो पूरे चेहरा ही ख़राब हो गया, इतना मोबलेल पोताड़ रखा है मुँह में। वो भी देवर उसमें कोई नहीं थे, यहाँ सब भतीजे थे, यहाँ इस गाँव में मतलब मेरे एक ही देवर हैं, एक ही क्या है वैसे बड़े बड़े, वो लोग तो आते ही नहीं उतना। और एक कल आए थे जो मुझे बना के गए थे भूत, बहुत ही ज़्यादा वाला, उनका कलर अभी तक नहीं जा रखा है, इतना कलर उन्होंने डाला था मेरे ऊपर कल। और जो थे एक जतिन है वो यहाँ, वो देवर भी ठहरे और भतीजे भी, वो दोनों चीज़ बोलते हैं, चाची भाभी दोनों ये, तो उन्होंने कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कहा बहुत ज़्यादा कलर लगा दिया ये बहुत ही ज़्यादा, तो अभी शाम को भी है कह तो रहे थे, क्योंकि आज हम लोगों ने दिन में कम ही नाच रखा है, बल शाम को फिर से नाचेंगे कोई पता नहीं है। और मौसम की बात की जाए ना, बहुत अच्छा मौसम है, और हमने आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होली में, और मेरे इधर इधर गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही फ्रेंड्स, और मेरी चेली का कुछ काम दाम है नहीं, वो देखो वो अंदर बैठ के चिप्स खाने में पड़ी है ना, इस बेचारी को भूख लगी आज इसने और मैंने, तूने खाई सवेरे रोटी? हाँ, इसने भी सवेरे नाश्ता नहीं किया, मैंने भी नहीं, मेरी चेली को भूख लगी, यहाँ पे बैठ के मैंने कहा इतनी बड़ी थाली भर दी मैंने इसके लिए, मैंने कहा तू खाते रह यहाँ पर से करके, तो यहाँ पर खा रही है। और मेरा बाबू है जो नहाई नहाई कर रहा है, तो खाना पीने का तो वो जैसे दिख रहा, अभी दिख रहा होगा आप लोगों को कलर, ये क्योंकि धूप में चमक नहीं आता, पूरी न्यारी गोरी थी मैं, अब काली हो गई, इस साइड बहुत ज़्यादा कलर लग गया, वो पता नहीं कितने दिन मूव ले लिए, तो कितना निकाल दे मैंने फिर भी नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो गाइस अब थोड़ा देर हम भी कर लेते हैं रेस्ट, फिर करते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू, शायद फिर से जाएं हम लोग, तो शाम का जो ब्लॉग है अगर जाऊँगी तो उसको मैं अलग अलग दिन डालूंगी, कि जो ब्लॉग है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज का नाच गाना नौटंकी और जितनी होली में लड़ाई थी ना उसको डालूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड, तो अब शाम के ब्लॉग के साथ मिलूंगी मैं आपको, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।